Hello friends, my name is Deepak Kumar from American Institute for Hunger. Friends, today I have a topic for you and the topic name is Has Got and Have Got. फ्रेंड्स देखिए इस टॉपिक का यूज होता है जो आपने टॉपिक सीखा था पोजेशन वाला उसमें आपको प्रेजेंट में इस टॉपिक का भी यूज करना है। ये आपका इनफॉर्मल स्टाइल होता है, इसको लोग आज के टाइम में यूज करते हैं राइट। तो जब आपको किसी चीज को पोजेशन में दिखाना पड़े, जैसे आपने बोला कि मेरे पास एक कार है तो आपने बोला था पहले कि आई हैव अ कार। अब आपको दूसरा तरीका सीखना है बोलने का हैज गॉट और हैव गॉट से, तो आप इसको प्रेजेंट में यूज कीजिएगा आई हैव Got a car. मेरे पास एक कार है, बोथ कैरी द सेम सेंस राइट। इसका भी यही सेंस निकलेगा, इसका भी यही सेंस निकलेगा, तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं आई हैव अ कार और आई हैव गॉट अ कार। मेरे पास पैसा है आई हैव मनी आई हैव गॉट मनी। मेरे पास मोबाइल है आई हैव अ मोबाइल आई हैव गॉट अ मोबाइल। बस थोड़ा स्टाइलिश लगता है ये वाला राइट। तो आप इसको जो इनफॉर्मल स्टाइल है इसको भी आप बोल सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं राइट। जैसे आपने इसमें तो पूछा कि क्या आपके पास कार है, तो आपने बनाया था कि डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, तो यही बनाया आपने डू यू हैव अ कार। बट इसमें आपको बनेगा हैव यू गॉट, हैव यू Got a car. इसमें have से बनेगा, उसमें do से बनेगा राइट। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके आपको यूज करने आने चाहिए। देखिए और बनाते हैं। मैंने पूछा कि मुझे फीवर है आई हैव गॉट अ फीवर आई हैव अ फीवर, दोनों सही हैं। मेरे पास कॉन्फिडेंस है आई हैव कॉन्फिडेंस आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस। मेरे पास प्रॉपर्टी है आई हैव गॉट प्रॉपर्टी आई हैव प्रॉपर्टी, दोनों सही हैं। आई हैव अ लैपटॉप And I have got a laptop, दोनों सही हैं। तो आपको दोनों यूज करने हैं ठीक है। मेरे पास एक मार्कर है I have a marker, I have got a marker। मेरे पास कॉमन सेंस है I have common sense, I have got common sense। मेरे पास एक बाइक है I have a bike, I have got a bike। मेरे पास एक पेट डॉग है I have a pet dog, I have got a pet dog। मुझे backache है I have backache, I have got a backache। मेरे पास WhatsApp है आई हैव WhatsApp, आई हैव गॉट WhatsApp। क्या आपके पास है डू यू हैव, क्या आपके पास पैसा है डू यू हैव मनी, क्या आपके पास टाइम है डू यू हैव टाइम, और दूसरा तरीका है हैव यू गॉट टाइम, हैव यू गॉट टाइम। तो ये भी आपको पोजेशन के लिए यूज होता है, जब आपको किसी चीज पे पोजेशन दिखाना पड़े कि मेरे पास ये चीज है आई हैव गॉट, तो हैव यू गॉट टाइम। मैंने पूछा कि क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम है हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपके पास चांस है डू यू हैव अ चांस, हैव यू गॉट अ चांस, क्या आपके पास पैसा है डू यू हैव मनी, हैव यू गॉट मनी, क्या आपके पास एक पेन है डू यू हैव अ पेन, हैव यू गॉट अ पेन। बट मैंने पेन के मामले में बताया था कि कोई भी चीज आपको लेनी है वो अलग से पूछो कि क्या आपके पास कोई अलग से पेन है, डू यू हैव अ स्पेयर पेन और हैव यू गॉट अ स्पेयर पेन। मैंने पूछा क्या आपके पापा के पास एक्टिवा है, तो बनेगा डज योर फादर, डज योर फादर हैव एन एक्टिवा ठीक है। और उससे बनाएंगे तो हैज लग जाएगा थर्ड पर्सन के लिए, ये बनेगा ऐसे हैज योर फादर, हैज योर फादर गॉट एन एक्टिवा। क्या आपके पापा के पास गवर्नमेंट जॉब है, डज योर फादर हैव अ गवर्नमेंट जॉब, हैज योर फादर गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, दोनों सेम है। मेरे पापा के पास गवर्नमेंट जॉब है माय फादर हैज, जो इसका आंसर होगा वो माय फादर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, इसका होगा माय फादर हैज गॉट अ गवर्नमेंट जॉब ठीक है। जो हैज गॉट से बनेगा उसमें हैज गॉट लगेगा, जो डज योर फादर हैव से बनेगा उसमें फादर हैज लग जाएगा आंसर में। मैंने पूछा कि क्या आपकी सिस्टर के पास नॉन मेडिकल है, तो डज योर सिस्टर हैव नॉन मेडिकल, क्या आपकी सिस्टर के पास 500 रुपीस है, डज योर सिस्टर हैव 500 रुपीस, इसको लिखने में ऐसे लिखेंगे, या फिर पूछेंगे हैज योर सिस्टर गॉट 500 रुपीस, तो हम इसका आंसर देंगे माय सिस्टर हैज 500 रुपीस।
या फिर बोलेंगे माई सिस्टर हैज गॉट 500 रुपीज। क्या आपके भाई के पास इन्विटेशन है? डज योर ब्रदर हैव एन इन्विटेशन या हैज योर ब्रदर गॉट एन इन्विटेशन? राइट, मैंने पूछा कि क्या आपके पापा के पास एक चांस है? डज योर फादर हैव ए चांस या हैज योर फादर गॉट ए चांस? क्या आपके फोन में गाने हैं? तो बोलेंगे डज योर फोन हैव सॉन्ग्स, डज योर फोन हैव सॉन्ग्स, और बोल सकते हैं हैज योर फोन गॉट सॉन्ग्स। क्या आपकी कार में म्यूजिक सिस्टम है? तो बोलेंगे डज योर कार हैव अ म्यूजिक सिस्टम। Does your car have a music system? और दूसरा तरीका है has your car got a music system? क्या आपके भाई के पास manners हैं? Has your brother got manners? और दूसरा बनेगा Does your brother have manners? तो आप दोनों तरीके आप सीखिए ना, इसको भी सीखिए और इसको भी सीखिए, और दोनों तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए, इट वुड बी बेटर फॉर यू। मैंने पूछा कि क्या आपके मोबाइल में गाने हैं? तो डज योर मोबाइल हैव सॉन्ग्स, और दूसरा बनेगा हैज योर मोबाइल गॉट सॉन्ग्स। बट फ्रेंड्स, इसको आपको यूज करना है सिर्फ प्रेजेंट में। क्या यूज करना है आपको? इसको प्रेजेंट में यूज करना है सिर्फ। आपको इसको पास्ट में यूज नहीं करना है, पास्ट में इसको यूज नहीं कर सकते आप इसको। फ्यूचर में आप इसको यूज नहीं कर सकते, फ्यूचर में वही सेंस रहेंगी कि आई हैड ए फोन, डिड यू हैव ए फोन, आई हैड एन अर्जेंट वर्क, डिड यू हैव एन अर्जेंट वर्क यस्टरडे, आई हैड टाइम यस्टरडे, डिड यू हैव टाइम यस्टरडे, होगा आई विल हैव ए कार, क्या आपके पास कार होगी, विल यू हैव ए कार, मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी, विल यू हैव मनी, आई विल हैव ए बिजनेस, क्या आपके पास होगा, विल यू हैव ए बिजनेस। मतलब फ्यूचर और जो है पास्ट और फ्यूचर में जो है ये सेम वही सेंस रहेगी, बट ये एक स्टाइल में बोलने के लिए प्रेजेंट में यूज किया जाता है। तो आप इसको प्रेजेंट के लिए सीखिएगा हैज गॉट और हैव गॉट को। आपके पास क्या है? व्हाट हैव यू गॉट, राइट? आपके पापा के पास क्या है? व्हाट हैज योर फादर गॉट, ठीक है। आपके पास नोटबुक क्यों नहीं है? व्हाई हैवन यू गॉट नोटबुक, व्हाई हैवन यू गॉट एनी नोटबुक, ठीक है। तो ये बस आपको बताने का मेरा जो मकसद था हैज गॉट और हैव गॉट को, ये बताना चाहता हूँ सिर्फ। ये प्रेजेंट में यूज होता है, इसको पास्ट में यूज नहीं करना, फ्यूचर में यूज नहीं करना, और ये एक नया स्टाइल है। प्लीज़ इसको आप सीखिएगा, यूज़ कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।